नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और ये स्टडी व्लॉग नहीं है, एक नॉर्मल व्लॉग है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा आप सभी को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BPSC Aspirant चैनल पे। और फिलहाल तो मैं सो के उठी हूँ, और इधर है मेरा भाई जो हर वक्त मेरा ख्याल रखते रहते हैं। और पढ़ाई तो थोड़ी बहुत शुरू की है बस, फ़ोन से, किताबों से तो हो नहीं रही है फ़िलहाल। और बगल में किताब वैसे रखी हुई हूँ, लेकिन देखती हूँ कब तक शुरू होता है। तो बस एक नया व्लॉग बनाने की कोशिश है, उसमें देखती हूँ क्या क्या दिखा सकती हूँ, क्या क्या शेयर कर सकती हूँ आप सभी के साथ। और आजकल बस मेडिसिन, खाना पीना, सोना, यही चल रहा है। तो इन्हीं चीज़ों में थोड़ी थोड़ी जो इन्हांसमेंट होगी वो मैं दिखाती रहूँगी आप सभी को। तो दिल्ली से जब मैं आ रही थी यहाँ ऑपरेशन के लिए, तो मैंने बस कुछ बुक्स रखे थे और कुछ अपने नोट्स रखे थे जो 67th BPSC के लिए मैंने बनाए हुए थे। और 2-3 पेन रखा हुआ था मैंने बस, जो कि बॉल पेन थे स्पेशली। और फिलहाल मैं 10-12 दिनों से कुछ लिखी नहीं हूँ, इवन उससे भी ज़्यादा समय हो गया। तो सोच रही हूँ कि लिखना भी शुरू करूँ थोड़ा थोड़ा सही। तो उसके लिए मैं जेल पेन से अभी सोच रही हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मैं अपने भाई को भेज रही हूँ जेल पेन लाने के लिए। तो देखती हूँ कितना लिख पाती हूँ, कोशिश रहेगी, लेकिन शरीर के साथ थोड़ा ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती हूँ अभी। तो बस आज शुरू करने की कोशिश है मेरी, कुछ तो लिखूँगी। तो बस वीडियो में आगे वही शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। तो ये पेन लेके आ गया है मेरे लिए। 15 किलोमीटर से कहाँ से लाए? 15 किलोमीटर दूर से। कितना झूठ बोल लेते हो? नहीं नहीं, फायरम से लाए। कहाँ से लाए? फायरम से। अरे झूठा लड़का है ये, एक नंबर का। और क्या लाया है? एक पेन। वाह वाह। तो ये है मेरा खाना आजकल का, चावल, गीला चावल स्पेशली, और दाल और थोड़ी मोड़ी चटनी। लेकिन बगल में मेरा भाई अपना खाना लेके बैठा हुआ है, जिसमें थोड़े से रंग बिरंगे प्रकार दिख रहे हैं व्यंजन के। तो कोई नहीं, ये धैर्य की परीक्षा है मेरी फ़िलहाल, और देखती हूँ। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया कुछ कुछ लिखना, स्पेशली हिस्ट्री के एक कोई टॉपिक था, एक वो लिख रही थी। और एक पेज लिखने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था और हाथ अलग दर्द हो रहा था, तो बस मैं वही लिख पाई। और ये टॉपिक था बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। तो दृष्टि IAS की जो बुक है, जो मैं पहले भी प्रेफर कर रही थी, उसी से लिख रही थी। और यहाँ पे ये कुछ कुछ लिखा है मैंने, जहाँ मेरी राइटिंग तो बहुत ही गंदी है और बस एक पेज पूरा ही भी नहीं अच्छे से कंप्लीट कर पाई थी। 17 अप्रैल को लिखने की थोड़ी सी कोशिश करने के बाद अब मैं सीधे 22 अप्रैल को यहाँ पे अपनी कॉपी निकाल रही हूँ, वो भी DI की। सोची थोड़ा सा DI सॉल्व कर लूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे है कि DI जो कैलकुलेटर से सॉल्व करना होता है, ऐसा सभी को पता ही होगा। पहले की कॉपी है ये मेरी, जब मैं 67th की तैयारी कर रही थी, तो जो बने हुए हैं उसको थोड़ा सा देख लूँगी। लेकिन मेन तो सॉल्व करना होता है, थोड़ा स्पीड से सॉल्व करने की बात होती है। तो कोशिश है कि करूँगी सॉल्व मैं, और आज शुरू भी किया है मैंने कुछ कुछ, जिसमें कि स्पेशली 67th मेंस के जो क्वेश्चन थे उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। और बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैं लेट के ही लिख रही थी। और लेटने के बावजूद मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाई। जो पहला क्वेश्चन था DI का, उसके बस जो A और B करके जो रहता है क्वेश्चन, उसी को ही मैं सॉल्व की थी। जो स्पेशली था, परसेंटेज दिया हुआ था स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स प्राप्त किए गए हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन था ये, तो उसी को मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। और बस ये मेरी आज की पढ़ाई पूरी हो गई, बाकी जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा पढ़ूंगी वो फ़ोन से ही पढ़ूंगी। और थोड़े MCQ वगैरह लगा रही हूँ, LSW जो मेरा ऑप्शनल है उसके, फ़ोन से ही लगा रही हूँ। अभी तो बुक ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। और टाइम हो गया था रात के खाने का, तो ये है रात के खाने में रोटी और चटनी, तो मेरा यही भोजन है। तो फ़िलहाल कुछ दिन यही खाना है। और यहाँ पे कुछ क्लिपिंग है जब मैं वॉक कर रही थी अपने बागीचे में, और पतझड़ चुकी है, अभी तुरंत गया है, और उसी के कारण से ये सारे पत्ते बिखरे हुए हैं। और मेरे गार्डन में कुछ कुछ ये चीज़ें लगी हुई है, तो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद है ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी मिलती हूँ आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।